नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। एक तरफ हिंदू मुस्लिम नफरत है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की बदतरी है, और इन दोनों के बीच में भारतीय आम जनता पिस रही है। इस पूरे परिदृश्य पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार ओनिंदो चक्रवर्ती। तो सर, आपसे पहला सवाल ये है कि एक तरफ सांप्रदायिकता की मार है जो इतना बड़ा उफान ले लेती है कि उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की बदतरी है। आपको लगता है कि जो अर्थव्यवस्था की बदतरी है वो कभी ठीक से सामने आ पाएगी? अरे, एक चीज देखिए आपकी, हम जब एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है कहते हैं तो हमें हमारे जहन में ये होता है कि अगर अर्थव्यवस्था ठीक होती, या ऐसा तो शायद लोग इसके बारे में नहीं सोचते, या लोग अर्थव्यवस्था के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या हिंसक चीजों के बारे में क्यों बात करते हैं, ये सवाल हम पूछते हैं। मेरा मानना है कि दोनों बिल्कुल लिंक्ड है। अर्थव्यवस्था का मैं बदतर हाल नहीं कहूंगा, अर्थव्यवस्था अगर आज ठीक भी होता तो भी हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है वो चलता, क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था घूमा है 90 के दशक से, उससे यही पॉलिटिक्स सामने आएगा। ये इससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। मैं आपको इसका एक कारण बताता हूँ, एक नहीं कई कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो ये है वो है, जब भी आप किसी एक युवा को बताते हैं, और जो कि पिछले आप सोचिए कि 30-35 सालों से होता आ रहा है, कि आप अपने दम पर कुछ बिजनेस कीजिए। जो बिजनेस करता है वो बहुत मालामाल होता है, और जब वो अपने अपने सेल्फिश नीड से, अपने स्वयं के लिए काम करता है, अपने मुनाफे के लिए काम करता है, तब वो एफिशिएंसी करता है, तब वो खर्चा कम करता है, तब वो इनोवेशन करता है। और इससे क्या होता है कि जो नए नए, जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, नया टेक्नोलॉजी आता है और भी उत्पादन बढ़ता है, और जब वो उत्पादन बढ़ता है उससे पूरे समाज का अच्छा होता है, भला होता है। तो अपने सेल्फिश कारण से जब आप काम करते हैं तो समाज का भला होता है, ये कैपिटलिज्म का एक बेसिस है, ठीक है। और ये 90 के दशक से हमारे दिमाग में घुसा दिया गया कि प्राइवेट प्रॉफिट मुनाफाखोरी सबसे अच्छी चीज है, और ये जो हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है, इसके चलते एक चीज हुआ है। आप देखिए कि लोगों में एक, जिसको आप कहते हैं कि एक कम्युनिटी फीलिंग जो थी, या जो एक दूसरे के लिए सोचने वाली फीलिंग थी, या सोचना कि अच्छा मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, मैं बड़ी गाड़ी चलाऊंगा तो मेरे नेबर क्या कहेंगे, या मैं अगर कोई गरीब आदमी रोड पर है तो, और मैं इतना पैसों के साथ खेल रहा हूं तो क्या ये ठीक है। ये जो फीलिंग था, जिसको हम नेहरूवियन सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म नहीं है लेकिन एक तरीके का जो फेलो फीलिंग जिसको कहते हैं, एक सेंस कि अमीर गरीब में ज्यादा फर्क होना गलत है, ये जो वो गायब हो गया। तो जैसे वो गायब हो गया, उतना ज्यादा कम्युनिटी फीलिंग खत्म हुआ है, उतना ज्यादा यंग लोगों में एक तरीके का कंपटीशन का सेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन का सेंस जब आपका बढ़ जाता है बहुत तेजी से, तब आप सोचते हैं कि उसका फायदा हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, और उसको अगर मैं दबा दूं तो मुझे फायदा होगा। और इसके चलते एक और चीज हुआ है, जितना मार्केट स्प्रेड हुआ है हमारे देश में, उतना ज्यादा जो लोकल आइडेंटिटी होता था, चाहे वो गांव का आइडेंटिटी हो, चाहे वो आपके जाति का आइडेंटिटी, वो सब बदल गया है। गया नहीं, खत्म नहीं हो, बदल गया है। और जब वो आइडेंटिटी खत्म हो जाता है, क्या होता है, आपको किसी भी मनुष्य को आइडेंटिटी की जरूरत होती है, और वो तब आइडेंटिटी ढूंढते हैं, कौन सा आइडेंटिटी जिससे मैं किसी और के साथ अपने आप को एक मान सकूं। और वो आइडेंटिटी आज या तो एक कम्युनल रिलीजियस आइडेंटिटी हो गया है, या वो बिल्कुल राष्ट्र और सत्ता के साथ आइडेंटिफाई करता है। पहले जैसे क्या होता था कि लोग कहते थे कि सरकार हमारे सेवा के लिए, प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया तो मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल सकता हूं, मिनिस्टर ने ये नहीं किया तो मैं कुछ कह सकता हूं। अगर आज के डेट पे आप कहेंगे तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो कहेंगे कि कैसे आपने सवाल कर लिया, क्योंकि उन्होंने सत्ता के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है,
और ये आइडेंटिफिकेशन एक एक्सट्रीम कैपिटलिज्म का रिजल्ट है, और उसी आइडेंटिफिकेशन से कम्युनलिज्म भी बढ़ता है। ये दो अलग चीजें नहीं है। जितना जैसा अभी हुआ है, जितना बेरोजगारी बढ़ेगा, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, जितनी लोगों के पास काम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, जितना अमीर गरीब में फासला बढ़ेगा, उतना ज्यादा सत्ता को कंट्रोल करेंगे एक क्लास के लोग। और आज वो व्यापारी क्लास के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास के लोग हैं, वो सत्ता को कंट्रोल करते हैं। और ये लोग, इन लोगों के लिए आज एक दक्षिणपंथी या फासिस्ट एक पॉलिटिक्स के साथ उनका टाई अप है। क्यों? क्योंकि ये जो टाई अप है, इससे उनको फायदा है। वर्कर यूनिटी नहीं होता है, किसानों का यूनिटी नहीं होता है। लोग अगर सरकार से सवाल कुछ मांगते हैं तो आप उनको कम्युनल बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, वो खुद डिवाइड हो जाते हैं, उनको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोई मेल ढूंढ नहीं पाते। तो ये एक अलायंस है हमारे देश में। हम इकोनॉमी को अलग से नहीं देख सकते, इसको श्रेणी या क्लास के तरह ही देखना पड़ेगा। ये एक अलायंस है टॉप, जो सबसे अमीर लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट या मर्केंटाइल क्लास है, और जो रूलिंग, जो पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, इसका एक अलायंस है। इसी के चलते आप दोनों चीज देख रहे हैं, एक तरफ इकोनॉमी जो नीचे जा रहा है ज्यादातर लोगों के लिए, टॉप 1% के लिए कभी नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, 90 के दशक से ऊपर ही ऊपर जा रहा है, जो बाकी है उनके लिए नीचे जा रहा है और लोग बट रहे हैं। ये दोनों एक साथ हो रहा है। आपने मुनाफाखोरी और आर्थिक असमानता पे बहुत सारी बातें कही हैं और ये बात भी निकल कर आती है, तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए खोल करके वो सारे आयाम, थोड़ा सा कि वो समझ पाए कि दरअसल उनके जीवन में जो होना चाहिए था वो मुनाफाखोरी और आर्थिक असमानता की वजह से नहीं हो रहा है, और इसलिए वो उनकी प्रवृत्तियां हिंसक होती जा रही हैं। देखिए, ये फिर से मैं कह रहा हूं कि ये डेस्परेशन की बात नहीं है, ये एक जिस तरीके से आइडियोलॉजी तैयार होता है, आइडेंटिटी तैयार होता है, उसी से निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सोचिए कि 80 के दशक में MTNL होता था, आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे MTNL का फोन होता था शहरों में, या BSNL का फोन होता था। आपको अगर शुरू में 80 के शुरू में या 70s में, लेट में, 80 के एंड में भी आपको अगर इंटरनेशनल कॉल करना पड़ता था तो बुक करना पड़ता था कॉल, आपको ट्रंक डायलिंग बुक करना पड़ता था कहीं और, किसी और शहर में बुक करके, और वो बताते थे तब आप फोन करते थे। तो एक चीज लोगों में होता था कि बहुत हमारे देश में तरक्की नहीं हुई है। वो कभी बाहर जाते थे किसी ऑफिशियल ट्रिप पे या सरकारी ट्रिप पे, बोलते देखो कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हो गए हैं, क्या चौड़े चौड़े रास्ते हैं, और हमारे देश में नहीं हुई है तरक्की। मिडिल क्लास की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो नेहरूवियन सोशलिज्म से पूरे नहीं हो रहे थे। टॉप लोगों के, सबको बताया गया कि इसको खत्म करो, ये देश हमारा बिल्कुल स्टैग्नेट कर गया, उस टाइम पे ठीक था, अब इसको बंद करके हमको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। और सभी को लगा कि अब हम अमीर होंगे, अब हमारा देश भी सिंगापुर, हांगकांग, जापान ऐसा बनेगा। और अगर आप देखें कि देश के टॉप 10%, उनका लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बदल गया है। लेकिन अगर मैं बॉटम 30% का देखूं, 90 हमारे देश में 1950 से अगर मैं 1982 तक, 1982 में इंदिरा गांधी में पहला लिबरलाइजेशन शुरू किया था ऑपरेशन फॉरवर्ड के साथ, 1950 से 1982 में अगर आप देखें, तो जो सबसे बॉटम 30% लोग हैं, सबसे गरीब, उनका हर साल इनकम, रियल इनकम, इन्फ्लेशन हटाकर, महंगाई दर हटाकर, रियल इनकम बढ़ता रहा है। जो टॉप के 10% है उनका गिरा है, 1% जो सबसे अमीर थे उनका घटा था। उसके बाद क्या हो, ये 2.5% के रेट से लगभग हमारे जो सबसे गरीब 30% थे उनका इनकम बढ़ रहा था, रियल इनकम, और जो सबसे अमीर थे उनका घटा था। और आप देखिए कि क्या हुआ, 1982 के बाद अगर हम 2021 तक लें, तो जो सबसे टॉप के 1% है उनका 7-9% हर साल रियल इनकम बढ़ा है। उस पे मैं इन्फ्लेशन ऐड कर दूं तो वो 15-20% हर साल इनका इनकम बढ़ा है, यानी कि उनका
जो सैलरी है हर 3.5 साल में डबल हुआ है, इनकम 3.5 साल में डबल हुआ है, जो पैसे हाथ में आ रहे हैं, और उसको आप इन्फ्लेशन भी हटा दीजिए तो हर 8 साल में, 7 से 8 साल में वो डबल हुआ है। जो सबसे गरीब है उनका क्या हुआ, उनका ग्रोथ रेट घट गया है, उनका इनकम तो बढ़ा है लेकिन जो सोशलिस्ट पीरियड में जिस रेट से बढ़ रहा था उससे कम रेट पे बढ़ा है, यानी कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन उनके दिमाग में लगातार घुसाया जाता है कि आपका फायदा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप तो बिजनेस नहीं कर पाए, आपका टैलेंट है आप टैलेंट नहीं दिखा पाए, आपको रोक दिया गया था। और देखिए कि ये जो अपीजमेंट पॉलिसी चला है इससे सारा जो हमारे देश का धन है इनके हाथ चला गया। ये सब बचपन से सिखाया गया है इन लोगों को, जो 1991 में पैदा हुआ था वो आज के डेट पे 31 साल का है, 31 साल बच्चा नहीं होता है। आपकी उम्र कितनी आ जाए अभी? मेरी 29। 29 ठीक है, आप बच्चे नहीं है, आप तो 1993 में या 1994 में पैदा हुए होंगे। तो आप सोचिए कि 1993 में आप, उसके बाद आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि प्राइवेटाइजेशन बुरा है। बिल्कुल, आपने सिर्फ सुना होगा कि हमारा देश खुला, और जब तक आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, आपका अध्ययन अलग तरीके का नहीं हुआ, आपको लगा होगा कि देखिए कितने बड़े आदमी है, धीरूभाई अंबानी बहुत ग्रेट आदमी थे। अध्ययन अलग तरीके से तो आप ही के माध्यम से हुआ है, और ये आज आपका अंतिम एपिसोड है, हम लोग के साथ एक लंबे समय के बाद मिलेंगे, और मैं ये तो आपके मतलब आपके वीडियो के नीचे जो कमेंट आता है उन दर्शकों की प्रतिक्रिया पढ़कर मैं ये कह रहा हूँ, वो हर बार ये कहते हैं कि हमें कुछ अलग जानने को मिला, हमें वो जानने को मिला जो हमें मेन स्ट्रीम से नहीं मिलता है। ये जो अर्थव्यवस्था का विश्लेषण है इससे मतलब हम सब समृद्ध होते हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो उसी आधार पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि जिस दृष्टिकोण से आप चीज़ों को देख रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए तो जनपक्षीय है, तो जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं जैसे कि बहुत सारी आबादी को न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है पैसा अगर वो काम करती है, तो बहुत बड़ी बेरोजगारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो ये जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं इसका कहीं भी आने वाले कुछ समय के अंतराल के बाद कुछ समाधान दिखता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसका कारण मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो लोग राज करते हैं उनमें आप भी हैं वैसे अजय, ठीक है, आप सोच लीजिए कि 10% 25,000 रुपए से ज्यादा इनकम हो तो आप टॉप 10% में, टॉप 10% ही राज करता है, लेकिन टॉप 10% भी राज नहीं करता है, टॉप 1% राज करता है, वो भी नहीं राज करते, टॉप 0.5% राज करते, ठीक है। और अगर हम इनकम टैक्स डेटा देखें, कोई भी डेटा देखें, तो हम मेरे जैसे लोग 0.5% में, तो हम लोग राज करते हैं। आप अगर ऐसा कोई भी चीज करेंगे जिससे मेरा राज, मेरा पावर, मेरा सत्ता खत्म होगा, तो मैं क्या आपको टिकने दूंगा सरकार के तौर पे? पैसा का जो दम होता है या पूंजी का जो दम है, उस दम के खिलाफ किस कोई भी सरकार, कोई भी इंस्टीट्यूशन को खड़े होने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मीडिया पीछे लग जाता है, इंस्टीट्यूशन पीछे लग जाते हैं। आपने देखा यूपीए के टाइम में क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? आप देखिए कि जो लेफ्ट फ्रंट सरकार थी वेस्ट बंगाल में, कितने सालों तक मीडिया हर 5 साल में बोलती थी इस बार ध्वस्त, जब तक लेफ्ट फ्रंट सरकार ने ही अपना मीडिया खड़ा नहीं कर दिया, तब वो कहते थे लेफ्ट फ्रंट जीत के आएगी जब वो हार गई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि सत्ताधारी जो लोग हैं वो सिर्फ सरकार में नहीं होते, वो मेरे जैसे लोग भी हैं जो सिस्टम को तैयार करते हैं, और वो लोग ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे कि भैया मेरे पैसे ले लो और किसी गरीब को दे दो, वो नहीं होने वाला है। और इस पे बहुत लड़ेंगे वो, इसके खिलाफ मीडिया में कॉलम छपेंगे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कहेंगे ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। कोई 10 मिनट अगर कोई सरकार है और उसके पास थोड़ी सी मेजोरिटी है, 15 बड़े पूंजीपति मिलके उसको गिराने की कोशिश करेंगे, तो ये एक जेन्युइन डेंजर है कोई भी जब कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करे गरीबों के लिए, इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसको
अगर होना है तो इसको ग्राउंड लेवल के पॉलिटिकल एजिटेशन से ही हो सकता है, और ये ग्राउंड लेवल का पॉलिटिकल एजिटेशन बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, और आज के डेट पे और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए कि आज आप किसी को भी बहुत आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि इसको उठा लो, ये इसको जेल में डाल दो, ये बहुत ज्यादा कर रहा है। मैं सफदरजंग का नाम लूंगा, कुछ ही कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, मैं बचपन से उनको जानता था। सफदरजंग के बारे में बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। सफदरजंग क्या करते थे? सफदरजंग जाते थे और नाटक करते थे, ट्रेड यूनियन फैक्ट्रियों में करते थे, लोगों को ट्रेड यूनियन में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते थे, वर्कर को, गरीबों को, और उनको एक एक उस वक्त के शायद कांग्रेस के थे, मुझे याद नहीं है, एक गुंडे ने उनके सर पे डंडे मार के उनको मार दिया। ठीक है, और क्या हुआ उनको? ठीक है, बहुत तो मैं वगैरह कि इनको दबाना आज के डेट पे और भी आसान हो गया है, क्योंकि आप अगर कहीं पे कोई एजिटेशन कर रहे हैं और कहीं पे किसी सेठ ने आपके खिलाफ जाके FIR दर्ज कर दिया, और FIR दर्ज करेंगे तो पुलिस छोटे गांव में, छोटे शहर में जाएगी आपको अरेस्ट करने, और आप भाग गए। पहले क्या होता था, लोग भाग जाते थे, लोग गांव के लोग उनको छिपा लेते थे कहीं पे, और फिर पुलिस भी छोड़ देती थी, ठीक है आ जाएंगे और देखेंगे, अब के लिए तो बंद हो। अभी बहुत आसान है उनको उठाना, और आप एक चीज याद रखिए कि पुलिस कोई उल्टा काम नहीं कर रही है। हमारे सारे दुनिया के जितने भी लॉ बने हैं वो सारे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। चोरी क्या चीज है? चोरी क्राइम क्यों क्या है? क्योंकि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले गई कोई, तो इसी के बारे में सारा लॉ उसी के बारे में होता है, प्रॉपर्टी। हाँ, तो जब आपके पास प्रॉपर्टी है और आप किसी के खिलाफ कहते हैं कि ये मेरा प्रॉपर्टी उठा ले गया है, या मेरे फैक्ट्री में मैंने पैसे दिए काम नहीं कर रहे, तो पुलिस कुछ कर नहीं सकती है, लॉ ही हो है, उनको तो करना ही पड़ेगा। तो आज के डेट पे ये और भी मुश्किल है। तो कैसे होगा, क्यों होगा, ये मुझे नहीं लगता है कि ये रूल इतना आसानी से खत्म हो सकता है। बहुत मुश्किल, मैं पेसिमिस्टिक थोड़ा, और मैं मुझे अभी तक ऑप्टिमिस्ट होने का कोई कारण नहीं दिखा है, यही मैं कह रहा हूं। शुक्रिया सर, मैं अपनी तरफ से और पूरी हिंदी भाषी समाज की तरफ से आपको शुक्रिया कहूँगा कि अर्थव्यवस्था को उस दृष्टिकोण से हम सब देख पाएं जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र आपका है उससे जब आप छुटकारा पाएंगे तो फिर से आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। तो ये थी अनिंदो चक्रवर्ती के साथ एक गहरे विषय पर गंभीर तरीके सरल बातचीत। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक। अगर आपको हमारे वीडियो ठीक लगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर जाकर हमारे खबरों को पढ़ सकते हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारे Twitter पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।